हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? स्वागत है आज के हमारे इस नए ब्लॉग में। और सुबह सुबह हम लोग भिड़े हुए हैं किचन की सफाई में, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं से चूहा आ गया है और बहुत ही गंदा स्मेल कर रहा है वो। और मैं तो एक दिन खोज के थक गई हूँ, मुझे मिला नहीं। तो आज ये घर पे थे तो इन्होंने बोला कि चलिए मैं देखता हूँ, अगर होगा तो मिलेगा। तो फाइनली चूहा मिल गया। वो मर चुका था और चिपका हुआ था, और मैंने तो देखा बट मुझे तो दिखा नहीं था उस दिन, लेकिन आज फाइनली मिल गया। और वो बहुत ही ज़्यादा गंदा स्मेल कर रहा था, तो फिर उसे साफ़ किया गया। फाइनली उसको अच्छे से पोछा गया, डिसइनफेक्ट किया गया, और तब जाके थोड़ा किचन सही हुआ है। एक दो दिन से मुझे लग रहा था कि कुछ तो है, कुछ तो है। और यहाँ पे मैंने माही को दे दिया है मखाना और काजू, क्योंकि आजकल इनकी छुट्टियाँ हैं, तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि इनका डोज बढ़ाया जाए, क्योंकि स्कूल के टाइम में तो ये सही से खा पी नहीं पाते हैं। सही से क्या, जितना खाना होता है उतना भी नहीं खा पाते हैं ढंग से। तो इनका थोड़ा सा मैंने डोज बढ़ाया हुआ है, क्योंकि सोच रही हूँ थोड़ा 1-2 किलो वेट बढ़ जाए इनका। और बहुत ही वीक हो गया है माही आजकल। नहीं, बिल्कुल नहीं। हो गए हो बेटा? और फिर एक तरफ मैंने चाय रख दिया है और चाय के साथ ब्रेड सेक लिया है। और आज इन लोग को जाना है हॉस्पिटल, और आज देखते हैं कि क्या होता है, आज बाबू का एडमिशन हो जाता है कि नहीं। और सब लोग यही प्रे कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट हो जाए, क्योंकि बाकी और प्राइवेट में तो दिखाना है नहीं, क्योंकि साफ मना किया है डॉक्टर ने कि इधर उधर कहीं नहीं जाना है आप लोग को। और तो इस वजह से बस वहीं का सहारा है, और वहाँ हो जाए किसी तरह से। तो यहाँ पे चाय वाय निकाल दिया था मैंने, सबने चाय पिया, और फिर इन लोग को निकलना भी था, तो मैंने सोचा कि 10 बजे से निकलना था, तो मैंने सोचा कि बना देंगे तब तक खाना, दाल दाल सब्जी रोटी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ नेनुआ की सब्जी, और इधर बन रहा है नेनुआ की सब्जी, और माही के लिए बना है ब्रेड ऑमलेट, क्योंकि सब्जी बनने में अभी टाइम लगता है और रात की कोई सब्जी थी नहीं कि दे देते रोटी के साथ। तो यहाँ पे ब्रेड ऑमलेट माही को दे दिया था, और यहाँ बाबू भी लेट गया है, मतलब दूध दूध पी लिया है, और अभी लेटा हुआ है सोफे पे और ये देख रहा है। और दूसरी साइड मैंने दूसरी कढ़ाई में और एक सब्जी और आलू की भुजिया बना ली। और दाल को मैंने बहुत पहले ही चढ़ा दिया है कि दाल बन के तैयार रहेगा, और दोनों सब्जियां भी लगभग बन चुकी हैं। और यहाँ पे मैं सेक रही हूँ रोटियां, और बाकी लोग नहा रहे हैं, रीना छोटू और ये नहा वहाँ के अपना आ गए हैं, पूजा वूजा कर लिया है इन्होंने, तो मैंने सोचा कि इनको दे देती हूँ। और दाल के लिए पूछा तो दाल ये मना कर दी, क्योंकि दाल मतलब दाल बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं पसंद है, मैं भी दाल उतना खाना नहीं चाहती हूँ, और इनको भी उतना नहीं पसंद है, ये खा लेते हैं, बट आज सुबह का टाइम था तो नहीं मन किया होगा खाने का। और यहाँ पे बाबू लेटे लेटे सो गया है, तो फिर यहाँ पे ये लोग भी अपना नहा वहाँ के हो चुके हैं तैयार, तो मैंने इनको भी दे दिया खाना। तब खाना कह लीजिए, नाश्ता कह लीजिए कि कुछ भी, थोड़ा सा पेट भरा रहेगा तो सही रहेगा। वैसे भी हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ खाने का बिल्कुल मन नहीं होता है, और तो इसलिए मैंने बोला कि आप लोग थोड़ा एक एक दो दो रोटी खा के जाओ, लेकिन जाओ खाली पेट ना जाओ, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये लोग गए थे मैंने टिफ़िन भी दिया था लेकिन कोई खाया नहीं था, वैसे टिफ़िन वापस आ गया। बोल रहे थे लोग कि वहाँ मन नहीं होता है खाने का। तो ये लोग निकल लिए, बाबू को लगाया काला टीका, और फिर ये लोग निकल गए, नीचे कैब आ चुकी है। और माही बोल रहे थे कि मुझे भी जाना है, बट ये सब लोग इनको डांटने लग गए कि क्या ज़रूरत है आपको जाने की, क्योंकि हॉस्पिटल में तो ऐसे ही भी हालत ख़राब हो जाती है, ऊपर से इतनी गर्मी है, और वहाँ पे माही का कोई काम तो है नहीं, फिर झूठ मूठ का परेशान होना है जाके। मुझे जाने का बहुत मन कर रहा था। फिर ये लोग सारे लोग चले गए, और फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और जो भी सब्जियां कढ़ाई में थी मैंने उनको निकाल के रख दिया कटोरी में। और फिर किचन को साफ़ करना था, और इस टाइम सब्जियां बन चुकी हैं, और दोपहर के लिए बस मुझे चढ़ाना है चावल। और मम्मी को सुबह जो भी वो चना वना खाती हैं भिगोया हुआ, वो सब मैंने दे दिया था। और चना वना खाने के बाद भी पेट तो एकदम फुल हो जाता है, भूख नहीं लगती है। वैसे मैं बीच बीच में पूछती रहती हूँ मम्मी बना दूँ,
तो वो भी लेट ही खाती हैं, हम लोग के साथ ही खाती हैं। तो फिर मैं किचन साफ़ की और जो भी बर्तन थे चाय वाय का नाश्ता वास्ता का सबको अच्छे से साफ़ किया, झाड़ू वाड़ू लगाया, पोछा वोछा लगाने के बाद फिर मैं चली गई नहाने। और आजकल मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, पता नहीं गर्मी की वजह से कि क्या, पैरों में इतनी ज़्यादा जलन हो रही है, वो गर्मी की वजह से ही हो रही है शायद। तो मेरा भी चेहरा थोड़ा उतरा उतरा ही है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं भी नहा वहा के हो चुकी हूँ तैयार, और मैंने भी नाश्ता नहीं किया है, तो आ गई हूँ किचन में और बस खाऊंगी एक रोटी। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ अपने लिए एक रोटी और सब्जी, और माही का नाश्ता वास्ता तो इधर मेरा काम वाम होता रहता है और साथ साथ माही का नाश्ता वास्ता भी चलता रहता है। अगर मैं माही को लेके अकेले बैठूं खिलाने पिलाने तो पूरा दिन तो वाही में ही निकल जाएगा। तो पहले मैं हम मतलब पहले हम लोग ऐसा करते थे कि माही को अलग से खिलाते थे, लेकिन अब ऐसा करते हैं कि अगर दाल चावल सब्जी खानी होती है तो साथ में लेके बैठते हैं और साथ साथ इनको भी खिलाते रहते हैं, और बाकी रोटी सब्जी तो अब दे देती हूँ तो अपने हाथ से खाते हैं माही। हाँ मैं सीख और लिया, पहले तो मैं रोल करके खाता था, वैसे ही सीख लिया। तो मैंने यहाँ पे किया नाश्ता, और उसके बाद मलाई पड़ी हुई थी और घी बनाने के लिए, तो सोचा कि नाश्ता वास्ता कर लूँ फिर आराम से घी बनाऊँगी। तो घी को मैंने निकाल के मतलब मक्खन निकाल के रख दिया था आँच पे ताकि वो घी बन जाए अच्छे से। उसके बाद मैंने चावल भी चढ़ा दिया और माही को भी खाना खिलाना था। फिर उसके बाद मैंने तीनों का खाना निकाला, और मम्मी का खाना टेबल पे ही दे देती हूँ क्योंकि वो नीचे तो बैठ नहीं पाएंगी क्योंकि उनके पैर वैर में दर्द रहता है, तो इसलिए मैंने टेबल पे दे दिया था कि वहीं खा लेंगी। और फिर मैंने माही को खाना खिलाया और आज का ब्लॉग भी